केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है कि जरूरी हो तो कड़े कदम उठाने से ना हिचके, लेकिन ग्राउंड पर सच कुछ और ही दिख रहा है। देखिए देश के 3 राज्यों से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में सरोजनी नगर मार्केट का हाल देखिए, जहां बीते दिन एक ही दिन में केस दुगने हो गए हैं, बावजूद इसके कोई सावधान नहीं। हम इस वक्त पहुंचे हैं दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट और यहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर लोग बहुत बेफिक्री से शॉपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन शॉपिंग के साथ साथ लोगों के जो चेहरे हैं उन पर मास्क नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो कैमरा देखकर मास्क लगा रहे हैं। आप मास्क नहीं लगाई हुई और आपको पता है दिल्ली में कितना ज्यादा खतरा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं सो सॉरी सर, मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ये रहना मास्क। ओमिक्रॉन को लेकर लोगों के पास अपने अपने बहाने जरूर हैं। कोरोना से डर नहीं लगता? जी जी लगता है। सर मास्क नहीं पहने हुए? अरे कुछ नहीं कहेंगे। सर कोरोना से डर नहीं लगता? वापस से केस एक मिनट लगा लें फिर बता रहे। कोरोना डर नहीं लगता? सर मास्क नहीं पहने हुए, जश्न है, जरूरी है या जान, आप बताइए। कोरोना से डर नहीं लगता? ठीक है बिल्कुल लगा लेगा। दरअसल क्रिसमस नजदीक है और साल 2021 खत्म होने वाला है। कोरोना के डर के हटने से बाजारों में रौनक है, लोग घूमने निकले हुए हैं, लेकिन कोरोना नियम यानी मास्क और सामाजिक दूरी का कोई पालन नहीं कर रहा। महानगरी मुंबई में धारा 144 के बाद भी बेपरवाह लोगों की भीड़ सड़कों और बाजारों में दिख रही है। हम सब मौजूद हैं मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में। लोग नए साल की तैयारियों में जुटे हैं, खरीदारी की जा रही है, लेकिन आप देखिए कि इन खरीदारियों के बीच में लोग कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कितने लापरवाह हैं। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे और तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, और महाराष्ट्र मुंबई में खास तौर पर ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद धारा 144 महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में लगाया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ का आपको नज़ारा दिख रहा है उससे तो यही साबित होता है कि सरकार के जो नियम कानून बनाए हैं वो महज पेपर पे हैं। मैडम आप बताइए, आपने मास्क पहना नहीं है? पहना है, दम घुट रहा है मेरा। कहा है ना कि मास्क अच्छे से पहनिए। बात कर रही थी तो जश्न जरूरी है कि जान जरूरी है? जान जरूरी है। राजस्थान के टूरिस्ट स्पॉट पर भी ऐसा ही हाल है। जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल से लेकर आमेर के किले तक भीड़ है, लेकिन लापरवाह। मास्क नहीं लगा रखा आपने, जान जरूरी है जश्न? चल लगा लेते हैं, अभी ले लेते हैं। अभी नहीं लगा रहे। मास्क ओमिक्रॉन फैल रहा है, आप लोगों को लगता नहीं मास्क लगा? बहुत जरूरी है, सही बात है आपकी, लगाना चाहिए। हम लगा कर ही आए थे, फोटो के लिए निकाला है। लेकिन ऐसे में 2 तथ्यों पर गौर करना जरूरी है। पहला, ओमिक्रॉन की रफ्तार। 2 दिसंबर 2021 को भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था। 16 दिसंबर आते आते ओमिक्रॉन के केस देश में बढ़कर 50 हो गए, यानी 1 से 50 केस होने में 14 दिन लगे। 18 दिसंबर को ओमिक्रॉन के मामले 50 से 100 पर पहुंच गए, यानी सीधे सीधे दुगने, और 50 से 100 केस होने में लगे सिर्फ 2 दिन। और 21 दिसंबर को ओमिक्रॉन केस 200 पार हो गए, यानी 3 दिन में दोगुने केस। यही चेतावनी WHO दे रहा है कि हर दिन 1.5 से 3 दिन में केस दोगुना हो रहे हैं और लापरवाही इसे और बढ़ा देगी। इतना ही नहीं, अब जरा दूसरे तथ्य पर गौर कीजिए। 20 नवंबर को कोरोना केस सामने आया था, 2 दिसंबर को इसी केस में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, यानी ओमिक्रॉन की पुष्टि में देरी 12 दिन की हो रही है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे आने में वक्त लगा। इस हिसाब से ये ओमिक्रॉन के केस पहले ही इसके कई गुना हो चुके होंगे, इसलिए आज ही सावधानी बरतिए इससे पहले कि देर हो जाए। तो लापरवाही भी इस वक्त देखने को मिल रही है लोगों की। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के केसेस फिलहाल देश में 216 तक पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 65 केसेस अब तक सामने आए हैं, दिल्ली से 54 केसेस सामने आए हैं। देखिए ओमिक्रॉन के केसेस महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तेलंगाना में 20, कर्नाटक में 19 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, तो वहीं 18 मामले रिपोर्ट किए गए राजस्थान में। केरल से 15 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए। गुजरात की बात करें तो यहां से 14 केसेस, जम्मू कश्मीर से 3 केसेस, उड़ीसा से 2 केसेस सामने आए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अभी 2 मामले ओमिक्रॉन के देखने को मिले हैं। तमिलनाडु में 1, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और साथ ही चंडीगढ़ में 1-1 मामला ओमिक्रॉन का दर्ज किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।